वेलकम बैक एवरी वन टू अनदर व्लॉग। और ये देखो, ये है सैंडिया पीक्स। दोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेस ऑफ रॉकी माउंटेन्स। तो रॉकी माउंटेन्स का जो है स्टार्टिंग यहाँ से ही होता है। एंड हम जा रहे हैं सैंटा फे, और जाते जाते पूरे जो है ये पूरी विंडो से हमारा ये नज़ारा है। अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी हो तो आपको समझ आएगा। ये देखो, ये आजू बाजू में उधर उन्होंने यही सब बताया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो सैंटा फे इज़ द कैपिटल ऑफ न्यू मैक्सिको, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1610, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द ओल्डेस्ट कैपिटल सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ वी आर एट सैंटा फे डाउन टाउन, एंड सैंटा फे डाउन टाउन इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज सैंटा फे प्लाजा, वेर देर आर ऑल द मेजर रेस्टोरेंट्स, आर्ट गैलरीज एंड होटल्स, चर्च एंड दिस शॉपिंग प्लाजा एज वेल। एंड ये देखो, ये है यहाँ के आर्टिफैक्ट्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स जो यहाँ के लोग बनाते हैं, एंड दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर दैट। हम अभी बहुत भूखे हो गए, इट वॉज पास्ट आर लंच टाइम, बट वी आर हियर एट द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट इन सैंटा फे नोन एज सैंटा फे प्लाजा, एस्टैब्लिश इन द ईयर 1905, एंड वी आर गोना ट्राई हियर देयर लोकल एंड फेमस डिश विच इज ऑफ। दिस रेस्टोरेंट ऑफर्स लॉट ऑफ न्यू मैक्सिकन क्विजीन विच ऑल्सो हैज इन इट रेड चिली एंड ग्रीन चिली सॉस एंड देयर फेमस डिश एंड डेजर्ट एज वेल। Mexican food. Okay. Mala ka mala. And what is this? What is this? Pancake. And? For the dessert, we have ordered cuatro leches cupcakes, which means it has four milk in it, four milk cupcake, and it was so moist and so yummy. I would highly recommend this dessert. If you're in Santa Fe, do visit this restaurant, especially for the dessert. After the amazing lunch, we are set to explore the city, and downtown Santa Fe is extremely walkable with so many things to look around. First, we are starting with this Gothic Revival church, the Loreto Chapel. This church was built in the year 1883, and it is famous for its miraculous stair, जो एक मिस्ट्री कारपेंटर ने बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि जो कारपेंटर इसको बनाने आया था, उसने ये स्टेयर्स बनाए और उसकी पेमेंट बिना लेके ही वो चला गया। कहा गया कैसे गया किसी को नहीं पता, और इसके डिज़ाइन और ये कैसे खड़ा है वो भी नहीं पता। ऐसा कहा जाता है कि वो जो आए थे कारपेंटर, वो थे सेंट जोसेफ। तो किसी को बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसने जो है ये वुड कौन सा यूज़ किया है या इसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, पर जो कुछ भी है पता नहीं है कहानी सच है या नहीं है। पर एंट्री हमने दी थी $5 पर हेड, और वो देखे हमने ये मिरेकुलस स्टेयर्स और ये आर्किटेक्चर देखे तो मज़ा ही आ गया। अगर आप आओ तो ये चर्च न्यू मैक्सिको में सैंटा फे सिटी में ज़रूर देखना। सी रोड से आगे जाते जाते हमें दिखा है ये दूसरा चर्च, वो है कैथोलिक बेसिलिका ऑफ एसीसी, और ये बहुत बड़ा और इसकी आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर थी। अंदर वैसे देखो वीडियो लेना अलाउड नहीं था, पर मैंने बाहर से थोड़ी सी आप सबके लिए एक कोशिश की वीडियो लेने की। जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द बेसिलिका यू कैन सी म्यूजियम ऑफ कंटेम्प्रेरी नेटिव आर्ट। तो ये बहुत सुंदर म्यूजियम है, पर हम अंदर नहीं गए, हमने जो है बाहर से ही बहुत सारे फोटोज़ दिखा दे। ये देखो, ये बेसिलिका के सामने ही है, और हमने अंदर तो नहीं गए पर बाहर हमने बहुत फ़ोटोज़ निकाले, रील्स निकाली। अगर आपको ये सब रील्स और ये देखना है तो इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। This is the palace of the governor from the 17th century, and now this is also a historic landmark. हम जिस दिन आए थे वो weekday था, और weekday को ये visitors के लिए बंद रहता है, so we could not go. So Santa Fe में ना hundreds के ऊपर museums and art museums है, जैसे ये देख सकते हो। देखो ये history museum, this is ये जो side पे है,
ये जो दिख रहा है ना, दिस वन, दिस इज़ मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम. तो और ऐसे ना बहुत सारे क्या क्या अलग अलग आर्ट म्यूज़ियम्स हैं, मतलब इस ये इसके लिए फेमस है. और इसकी फूड भी अलग है, रेड एंड ग्रीन चिली फेमस है, तो उसके लिए भी बहुत फेमस है. चिली स्टेट भी कहा जाता है न्यू मैक्सिको को. तो अभी ये कुछ एनिमल्स दिखेगा ना यहाँ, ये तो वो भी कुछ अलग टाइप का और एक म्यूज़ियम है. मतलब ऐसे बहुत टाइप के म्यूज़ियम्स हैं यहाँ पे. ऐसा हुआ करता था. और ये भी इज लाइक फ्रॉम 1886, सेंटा फे प्लाजा, ऐसे बेचते थे. वही वो स्पाइरल, दिस इज द बेल. Now we are headed towards the Canyon Road, which is also home to more than 80 unique art galleries and jewelry store as well. Canyon Drive पे, और यहाँ ऐसे हजार टाइप के आर्ट म्यूजियम या आर्ट स्टोर कह सकते हो. पूरी लेन है, पूरी लेन में आर्ट ऐसे अलग अलग टाइप की कंटेम्प्रेरी आर्ट है, कुछ फाइन आर्ट है. तो ये देखो, ये आई डोंट नो व्हाट इज दैट, दिस इज थोरवुड फाइन आर्ट गैलरी. सो नाइस आर्ट एंड नाइस की थिंग्स यहाँ पे, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो इन. तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे आर्ट गैलरीज है. देखो ये भी अलग टाइप है. तो इनके सबके स्ट्रक्चर जो है, दे आर रियली क्वाइट डिफरेंट. यहाँ पे इनके ना घर ही सबके अलग है. देखो ऐसे नहीं लगता जैसे इंडिया में हो, पर नहीं, दिस आर द आर्ट गैलरीज ओवर हियर. दे हैव मतलब अंदर से जैसे मॉडर्न होम्स होते हैं वैसी है, पर बाहर से ना दे लुक लाइक दिस. इज़न्ट दैट नाइस. देखो शाम का टाइम हो गया है और हमें लगी है चाय कॉफ़ी की तलब. और आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे मेजर टाउन में जो है ये कॉफ़ी शॉप्स एंड जो कॉफ़ी शॉप्स मेजरली जो है वो 5 से 6 बजे तक तो देखो बंद ही हो जाते, और डिनर टाइम चालू हो जाता है 6 से. तो हमने ली है ये कॉफ़ी एंड नाउ वी आर हेडेड ओवर टू एल्बकर्की अगेन, क्योंकि दूसरे दिन सुबह सुबह हमारी है फ्लाइट. इसलिए हम आ गए हैं एल्बकर्की के हमारे होटल में. दिस इज़ द नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड ये देखो हॉट एयर बलून यहाँ पर है. तो एल्बकर्की इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स हॉट एयर बलून राइड, और हॉट एयर बलून का फेस्टिवल होता है यहाँ पे फॉल पे. पर इधर जो है किड्स 5 and under अलाउड नहीं है, तो हम वहाँ नहीं गए. एंड दिस इज़ अस ब्रेकफास्ट करने आए हैं सामने ही, एक चेन रेस्टोरेंट है वहाँ पे. और ये करके हम एक यहाँ पे एक पेट्रोग्लाफ करके जगह है वहाँ जाएंगे. एंड वी आर एट पेट्रोग्लाफ नेशनल मॉन्यूमेंट. तो यहाँ पे क्या है मैं आगे आगे जाके आप सबको बताऊंगी. पहले के लोगों ने क्या क्या सिंबल्स किए हुए हैं वही दिखाया है उन्होंने. इट्स अ हाई एलिवेशन ट्रेल, लुक एट द व्यू. वोल्केनोस, this one, this two, this three, and then he has some clear, and even that one. Do they speak only? Yeah, I have ideas. So this and this mountain. ये देखो यहाँ के जो घर है, घर की आर्किटेक्चर जो है, ऐसा बार बार मुझे लगता है कि हम यूएस से बाहर आ गए, पर नहीं, हम यूएस के ही एक सिटी में हैं. बहुत सुंदर अलग टाइप के घर है यहाँ पे. और जैसे मैंने कहा, हम एक पेट्रोग्लाफ पे आए हुए वहाँ पे. ये देखो उसके नेशनल मॉन्यूमेंट के लगे ही यहाँ पर उन लोगों के घर भी है. और यहाँ पे जैसे मैंने बताया, पहले वॉल्केनोज होके गए हैं और उधर फिर उन्होंने ऐसे ये बिल्ड किया है. Now we are at Albuquerque Airport. Airport पे कभी देखा है ऐसा आदमी म्यूजिक बजा रहा है सबके लिए, बहुत हैप्पी सा एनवायरनमेंट था. एंड नाउ वी आर हेडेड टू डैलस एंड फ्रॉम डैलस टू मेडिसन. ऐसा कर करके हमें लग जाने वाले हैं अराउंड 7 to 8 hours मोर टू रीच आवर होम. एंड वी आर गोना रीच मेडिसन अराउंड 1. आई होप आपको ये न्यू
मेक्सिको का व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। इस सीरीज़ में क्या पसंद आया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, उससे मुझे और मोटिवेशन भी मिलेगी और आइडियाज़ भी आएंगे कि मैं आने वाले वीडियोज़ में क्या सुधार करूँ, क्या लाऊँ जो आप सबको पसंद आए। आई होप यू ऑल एन्जॉयड इट। Until then, bye-bye everyone. Until next time, see you.